आपको क्या लगता है कि नाम बताइए पहले अपना। भावना बर्मन। भावना क्या करती हैं आप? भावना, मैं एक रिसर्च एसोसिएट हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, उसका ह्यूमैनिटीज ब्रांच में रिसर्च एसोसिएट। जी, ट्रिपल आई टी रिसर्च एसोसिएट है। क्या रिसर्च कर रही हैं भावना? अभी मैं सर्वाइकल कैंसर के ऊपर एक कामरूप डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे चल रहा है, ICSSR स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, उसमें मैं रिसर्च एसोसिएट हूँ। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट पॉलिटिकल डिस्कशन, आप क्या मेरे दर्शकों को थोड़ा सा बता सकती हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में? जी जरूर। सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे कॉमन कैंसर है जो वुमेन फॉक में दिखाया जाता है। औरतों में सर्वाइकल कैंसर बहुत होता है? औरतों में ही होता है सर्वाइकल कैंसर, फिर लेकिन सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, उसका नंबर टू है सर्वाइकल कैंसर। और पूरे वर्ल्ड में जितना भी ग्लोबल केसेज है उसमें से 60% इंडिया में भी होता है। 60% सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स इंडिया में हैं, क्योंकि यह एक तो है साउथ अफ्रीका, एक तो है इंडिया, ये दो केस इतना ज़्यादा है क्योंकि, लेकिन हमारे इंडिया में एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है सर्वाइकल कैंसर के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ही है, तो उसके अंदर ही ये प्रोजेक्ट भी आ रहा है। और ये इतने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस की वजह क्या? डिटेक्शन लेट होता है? डायग्नोज नहीं होता है। डायग्नोज वही मतलब मेरा अंदर भी एबनॉर्मल सर्वाइकल कैंसर सेल हो सकता है, लेकिन वो डोरमेंट रहेगा 10 to 20 years तक। 10 to 20 years तक वो डोरमेंट रह सकता है और पूरी मेरे लाइफ स्पेन में वो कुछ इफेक्ट भी नहीं कर सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, तो मेल दे सकते हैं ये, लेकिन मेल्स को इफेक्ट नहीं करते। ये हमको स्टडी करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते इतने अच्छे से। और क्योंकि ये स्टडी एग्जाम बहुत इन्वेसिव होता है, वो पेप्समेयर टेस्ट बहुत इन्वेसिव होता है, जो इंसर्ट समथिंग, यस, लाइक हाउ दे टेक ए कोरोना टेस्ट इनसाइड द नोज, दे टेक इट इनसाइड द यूटेरस, दे हैव टू टेक एन ओपनिंग लाइक दे डू स्वैब निकालने के, यस, बहुत अंदर तक स्वैब निकालना होता है। और ये इन्फेक्शन के कारण बढ़ सकता है, सेल एबनॉर्मेलिटी बढ़ सकता है। सिम्टम्स क्या है सर्वाइकल कैंसर? जो भी लड़कियां देख रही या ऑर्डिनरी पे देखेंगी, तीन इनिशियल आपका सिम्टम हो सकता है। एक तो आफ्टर पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन के पहले और बाद ज़्यादा आपका व्हाइट डिस्चार्ज होगा और ब्लीडिंग होगा, पेनफुल ब्लीडिंग, लेकिन ये कॉमन है जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के साथ कॉमन है, तो वो मिस डायग्नोज भी हो सकता है। यस, रेगुलर भी होता है, पेन बहुत रहता है, yes, तो मिस डायग्नोज होता है। सेकंड तो जब वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उसके पेनेट्रेशन के बाद वो उनका ब्लीडिंग हो सकता है, ये अगर वो वर्जिन ना भी हो, नहीं चल रहे हैं, तब भी उनका ओकेजनल ब्लीडिंग हो सकता है, तो ये एक सेकंड है। और फिर फॉल बिकॉज ऑफ द रप्चर्ड मतलब इनर वॉल, हाँ, वो कैंसरस मैलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं ना, तो वो उससे डिस्चार्ज होता है, उससे ब्लड ब्लीडिंग होता है। अगर आप सेक्स कर रहे हैं और आपको ब्लीडिंग हो रही है, yes, तो इट्स अ साइन ऑफ वरी, इट्स अ साइन। एंड थर्ड इज फॉल्स स्मेल, बिकॉज वेजाइना इज एसिडिक बाय नेचर, बट योर pH बैलेंस कैन डिसरप्ट बाय दोज कैंसरस सेल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट। तो वो लोगों की, जैसे किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरा pH बैलेंस मेरे वजाइना का गड़बड़ है? स्मेल खराब आएगा, लाइक रोटेन जैसा स्मेल आएगा, जैसा वो डिस्चार्ज में, हाँ, नहीं नहीं, नेचुरल स्मेल से अलग अगर आपको ओकेजनली लगा है कि हाँ कुछ स्मेल आ रहा है, टेस्ट करवा। कितना महंगा है सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट? टेस्ट महंगा है, अगर आप पब्लिक हॉस्पिटल में, हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, पैथोलॉजिस्ट चाहिए, आपको गायनेकोलॉजिस्ट अप्रूव करना पड़ता है गायनेकोलॉजिस्ट से। हमने खबर किया था गुवाहाटी में वो 3000 लगता है पर कॉस्ट, और वो हर लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इमरजेंसी भी नहीं है ना, तो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते 3000 rupees एक टेस्ट के लिए कि आप कंफर्म हो जाओ कि मेरा कुछ एबनॉर्मल सेल है कि नहीं। तो 99% लोग नहीं करेंगे क्योंकि क्यों खर्च करें 3000 rupees ऐसे ही होगा। और वैसे भी अगर कुछ ऐसा सेक्सुअल ऑर्गन रिलेटेड कुछ हो तो हमारे टैबू जैसा हो जाए, चलो चल कुछ थोड़ा सह लेंगे, थोड़ा ऐसा मेंटेलिटी है मतलब लोगों का। वेजाइनल रिलेटेड अगर कुछ है प्रॉब्लम तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जनरेशन, तो बात आप छोड़िए हमारे मदर के जनरेशन के लोग तो कभी भी नहीं बोलेंगे, वो लोग सह लेते हैं मतलब, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरा स्टडी का ये है कि हम देखेंगे कि हम एक अवेयरनेस कैंप बिठाएंगे जगह जगह, और अवेयरनेस कैंप के मेंबर जिसने अटेंड किया था कितने परसेंट लोग वो कैंप में मतलब, एक आपका कैंप अभी फिक्स कर देते हैं। हाँ बताइए जनरल सेक्रेटरी साहब, कब होगा सर्वाइकल कैंसर पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में कैंप? हम
बताइए जिम सेक्रेटरी साहब, आप हेल्थ की बात कर रहे थे। हमने अभी कुछ दिन पहले ब्लड डोनेशन कैंप किया है, अवेयरनेस किया। ब्लड डोनेशन तो हो रहा है ना, सर्वाइकल कैंसर। हमने उस टाइम में अपोलो कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर जहरान है एक, उनके साथ बात भी किया था कि वो इधर के कैंसर के अवेयरनेस के। दिस सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आई वांट टू से दैट आई एम आल्सो अ सर्वाइवर, ओके। I have a lower abdominal cancer and I survived in 2018, okay? Okay. So I have a long relation with cancer. So I talked with this Dr. Zeran. He wanted to come here before this corona time. But because of the corona time, he could not come. I wanted to do here a cancer awareness in program. In fact, जब आप लोग ये बोल रहे हैं तो मुझे मेरे दिमाग में आया कि universities and colleges वहाँ पे इस तरीके के अवेयरनेस कैंप खूब चलने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो जो एक बोलते हैं ना कैच देम यंग, कभी एक लड़की है, हो सकता है आगे चल के वो डिसाइड करे कि उसे माँ बनना है, नहीं भी माँ बनना है, चाइल्ड फ्री हो सकते हैं। हाँ, चाइल्ड फ्री भी हो सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। तो वो दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, और हम ये मान चलते हैं कि जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए दे आर मोर अवेयर, तो वो बाकी लोगों से भी बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। एग्जैक्टली। आई एम होपिंग कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पार्षद अब खूब सारे इस तरह के जिम सेक्रेटरी साहब और नावा साहब। हाँ, हम लोग अभी डिसाइड कर ही रहे हैं। एज शी राइटली सेड, कहाँ गई वो जो बोल रही थी, अच्छा वो चली गई क्या, कि सिर्फ सिक्स पैक्स नहीं चाहिए, ये भी चाहिए।